पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग लेकर वारदातों को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलग अलग जनपदों में फर्जी आधार कार्ड और एटीएम कार्ड के साथ फ्रॉड करके मुरादाबाद पुलिस को चकमा दे रहे थे। अलग अलग जनपदों में लगभग दो दर्जन से ज़्यादा वारदातों को इन शातिरों ने अंजाम दिया है। फिलहाल एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने प्रेस वार्ता करके मामले का खुलासा किया है और दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया है। जनपद मुरादाबाद के थाना बिलारी पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने और एटीएम से फ्रॉड करके पैसा निकालने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए रिजवान और फैजान दोनों आरोपियों से पुलिस ने 9,000 रुपए नकद, 4 ATM कार्ड, 3 फर्जी आधार कार्ड, 2 तमंचे और 4 कारतूस, 315 बोर बरामद किए हैं। एसपी देहा संदीप कुमार मीणा ने पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा किया। संदीप कुमार मीणा ने बताया कि दोनों आरोपी 2 दर्जन से अधिक ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस पूछताछ में दोनों ने बताया कि ये दोनों पहले से ही एटीएम पर पहुंचकर एटीएम में कार्ड लगाने वाली जगह पर फेविक्विक लगा देते थे, जिसके बाद एटीएम कार्ड धारक जब अपना कार्ड एटीएम मशीन में लगाता तो एटीएम चिपक जाता था। पीछे खड़े होकर ये लोग उसके एटीएम का पासवर्ड देख लेते थे। एटीएम कार्ड से उसके एटीएम को मशीन में फंसे होने के संबंध में अंदर बैंक शाखा में भेज देते थे। उसके बाद उसके एटीएम को निकाल कर दूसरा एटीएम फंसा कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते थे। कल मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं जो फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं और एटीएम में फ्रॉड करके पैसा निकाल लेते थे। ये लोग कल बिलारी में एक एटीएम पर आए थे। वहाँ पर ये इन्होंने मतलब जो व्यक्ति पैसा निकालने आते हैं उनके साथ ये फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड करते हुए ये रंगे हाथों पकड़े गए दोनों। इनसे जो पूछताछ में पता चला तो इन्होंने बताया कि ये एटीएम जो मशीन होती है जहाँ पे आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं वहाँ पे ये फेविक्विक लगा देते थे। फेविक्विक लगाने से वो जो एटीएम होता था वो उसमें फंस जाता था और फंस जाने पर जब वो फंस जाता था निकल नहीं पाता था तो ये वहीं आसपास खड़े रहते थे। ये वहाँ पहुँच जाते थे कि सर क्या हुआ, तो कहते मेरा एटीएम कार्ड फंस गया है। तो ये कहते थे कि सर हमारा भी अभी थोड़ी देर पहले फंसा था एटीएम कार्ड, तो हम बैंक मैनेजर के पास गए वहाँ गार्ड के पास और वहाँ से उनको बुला के लाए तब एटीएम कार्ड निकला। तो लेकिन एक और तरीके से भी निकल सकता है, इसके अंदर आप अपना पिन कार्ड वापस डालिए, जिनका पासवर्ड होता है एटीएम का वो आप डालिए तो ये हो सकता है फिर निकल जाए। तो जब वो पासवर्ड डालता था तो ये पासवर्ड रीड कर लेते थे उसको, और फिर जब वो तब भी नहीं निकलता था तो ये फिर वो जो व्यक्ति जिसका एटीएम कार्ड फंसा हुआ था एटीएम मशीन के अंदर तो वो अंदर जाता था बैंक में, उससे फिर ये उसी दौरान एटीएम कार्ड निकाल के वहाँ से फरार होकर दूसरी जगह एटीएम लगाकर पैसा निकाल लेते थे। और इस तरह की ये जो घटनाएं हैं कई जनपदों में कर चुके थे। ये काफ़ी शातिर लोग हैं और काफ़ी लंबे समय से इस कार्य में सक्रिय हैं। इन्होंने करीब गौतम बुद्ध नगर के अंदर कम से कम 10 से 12 घटनाओं को अंजाम दिया है पूछताछ में इन्होंने बताया। गाज़ियाबाद में भी इन्होंने 5 से 6 घटनाओं को अंजाम दिया। उसके अलावा मुरादाबाद जनपद में भी इन्होंने कई थानों के अंदर घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें कटघर है, मझोला है, मैनाठेर है घटना। तो ये काफ़ी एक्टिव था और इस गिरोह का जो मास्टरमाइंड है वो है फैजान। फैजान इसके अंदर का मास्टरमाइंड है और ये पहले भी जेल जा चुका है इंदिरापुरम के अंदर। इंदिरापुरम में पहले भी जेल गया है और अभी इसमें आधार फर्जी आधार कार्ड भी बनाते हैं ये। फर्जी आधार कार्ड बनाकर ये एटीएम जारी करवाना, अकाउंट खुलवाना, कई तरह के मतलब 420 वाले कार्य करते हैं। इनके पास से करीब 9,000 रुपये नकद बरामद हुआ, फर्जी एटीएम्स बरामद हुए, आधार कार्ड बरामद हुए, अब एक तवंचा मिला है इनके पास। और ये बताया इन्होंने कि इनसे जब पूछताछ की गई भैया आप ये तवंचा क्यों रखते हो, तो ये कहते हैं अगर कोई हमारा पीछा करता है तो हम हमारा तवंचा दिखा कर उसको डरा कर वहाँ से भाग निकलते हैं। ये दो एक्यूज्ड पकड़े गए हैं और इनसे और भी पूछताछ की जा रही है इनके और कौन कौन साथी इस गैंग में एक्टिव है और इन्होंने कहां कहां घटना की है, उन जनपदों में भी संपर्क किया जा रहा है इनका और क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।